नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आईओएस इंडिया चैनल में। आज हम आपके बीच प्रस्तुत हुए हैं एक ऐसी शख्सियत को लेकर जो कि एक बैंक कर्मी होने के साथ साथ एक महिला है जिनके ऊपर अपने बच्चों की और परिवार की जिम्मेदारी है। और आज हम ये जानना चाहेंगे कि इस कोरोना की वजह से एजुकेशन पर जो बैड इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें किस तरीके से ये परिवार अपने बच्चों को एजुकेट कर पा रहा है। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। और आज जो पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा वो ये है कि ऐसे समय में जब बैंक की नौकरी 9 से 5 की आप कर रहे हैं तो बच्चों की एजुकेशन को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? सर देखिए, हम लोग के लिए बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जॉब पर जाते हैं जी। हम लोग ज्वाइंट फैमिली में है बट बच्चे सफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं क्योंकि पूरा टाइम उनका जब हम नहीं रहते हैं तो वो खेलने में टीवी देखने में निकाल देते हैं और जब पढ़ाई का टाइम आता है तो वो ठीक है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं बट जो उनको एक्सप्लेन करना है वो काम हमारा होता है। तो फिर जितना हमको टाइम मिलता है फिर उस अकॉर्डिंग हम उनको पढ़ा पाते हैं। और उस पढ़ाने में भी ये है कि जितना हम पढ़ा सकते हैं एक टीचर जो पढ़ाता है और एक हमारे पढ़ाने में बहुत अंतर है। लॉकडाउन के बाद में जो भी बैंक वगैरह खुले हैं तो वर्कलोड भी आपके ऊपर काफी होगा और इस बीच गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं कोरोना को लेकर कि आपको सैनिटाइजेशन करना है, प्रॉपर पूरी जो भी डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करनी है, क्या वो चीजें बैंक में पॉसिबल हो पा रही है भी? सर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हम तो रखते हैं बट जो पब्लिक है वो नहीं रख पाती। जैसे हमारे बैंक में आते हैं तो उनका मास्क प्रॉपर नहीं होता है, सैनिटाइजर का यूज नहीं करते हैं, कोई ऐसे रुमाल अपीट कर आ जाते हैं तो हमें उनको बार कहना पड़ता है कि आप मास्क वियर करिए। तो पब्लिक अवेयर नहीं है। पब्लिक अवेयर नहीं है तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं जब हम घर जाएंगे तो हमारे बच्चे भी अनसेफ हैं वहां पर, तो आप अपनी तरीके से पूरा सेफ्टी सिक्योरिटी रखते होंगे, बच्चों को भी एजुकेट कर रहे होंगे अपने अपने लेवल पर कि घर में अगर आप बच्चे सैनिटाइजेशन प्रॉपर कर रहे हैं दैट मीन्स कि अगर वो बाहर जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो और ज्यादा इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो जो चीज आज सामने आ रही है कि स्कूल्स अभी ओपन नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा संक्रमण बाहर फैल जाएगा, इस बात से आप कितना सहमत हैं? सर देखिए, लॉकडाउन 3 महीने का था तब ठीक है, उसके बाद सब धीरे धीरे ओपन होने लगा सिवाय स्कूल के। आज मैं भी बैंक जाती हूँ बट मुझे पता है कि रिस्क किसी के साथ में भी हो सकता है, सपोज मेरे साथ में भी हुआ तो मेरी फैमिली को भी होगा। बट ये है कि हमें अवेयर हमारे बच्चों को खुद को करना पड़ेगा। कोई एक फिक्स वो नहीं है कि इस टाइम तक कोरोना है इसके बाद में नहीं है, तो अवेयर तो हमें खुद को करना पड़ेगा और हर एक पेरेंट अपने बच्चों की जिम्मेदारी कर ले कि मैं अपने बच्चों को अवेयर करूंगा। तो स्कूल ओपन होने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गवर्नमेंट को, और बच्चे अवेयर होंगे तो वो ऑटोमेटिक ध्यान रखेंगे अपना कि। और आज भी हम लोग बाहर भेजते हैं तो हम खुद उनको कहते हैं कि नहीं आप किसी को टच मत करना और घर आने के बाद में हैंड वॉश करना और आईज पर और नोज पर हाथ मत लगाना, तो वो अवेयरनेस तो हमको खुद को ही फैलानी रहेगी। तो मुझे आप पहले बताएं कि जैसे बच्चे आपके छोटी क्लास में हैं या सीनियर बड़े अच्छे हैं आपके? सर एक छोटा है और एक बड़ा है, 4th में और एक LKG में। तो आपको किस एज ग्रुप के बच्चों को हैंडल करने में ज्यादा प्रॉब्लम आई है? सर सबसे छोटे वाले को। छोटे वाले को। और ये चीज वैसे मैंने और भी लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं तो उसमें एक चीज सामने आई है कि मतलब छोटे बच्चों को हैंडल करना किसी के लिए इतना इजी टास्क नहीं होता। मतलब एक टीचर जितना अच्छे से हैंडल करता है उतना शायद मुझे लगता नहीं कि कोई कर पाता है। तो उसके उसके पीछे रीजन होता है कि टीचर का डर होता है बच्चे के अंदर और एक पेरेंट्स के डर उसके अंदर होता है बट वो डर नहीं होता है कि जो टीचर के अंदर होता है। टीचर और स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है तो उसके अंदर ही रहता है कि मुझे सीखना है और उसे उस टाइम पर फैमिली का कोई मेंबर्स उसके आसपास नहीं होता है। बट जब घर में पढ़ाते हैं तो कोई ना कोई सब आसपास में रहते हैं तो कोई कुछ कह नहीं सकता, उस चक्कर से बच्चा कोई तरह नहीं सीख पाता। तो टीचर एजुकेशन को आप कितना सपोर्ट करते हैं, मतलब टीचर आपकी नजर में क्या है? सर टीचर ही है जो बच्चों को शिक्षा देता है। आज हम भी जो लायक बने हैं वो टीचर से ही बने हैं। आज हमने शिक्षा ग्रहण करी तो आज हम लोग जॉब पर हैं और आज के टाइम पर शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा रखा है। तो अब जब इस स्थिति में आज एक शिक्षक के पीछे आज जो माहौल अभी बना हुआ है उसके हिसाब से हम आए दिन न्यूज में पेपर में पढ़ रहे हैं कि एक निजी शिक्षक ने इस वजह से सुसाइड किया, किसी ने कोई दूसरा कोई और काम करने में मजबूर हो रहे हैं शिक्षक, भारतीय शिक्षक की ये स्थिति। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि स्कूल्स नहीं खुलने से क्या संक्रमण रुक रहा है?
सर वही है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ स्कूल्स को टारगेट कर रखा है, अदरवाइज अगर गवर्नमेंट खुद का एक रूल्स दे रही कि हमको इस तरह से इवन और ऑड में स्कूल चलाने हैं और स्कूल्स को सैनिटाइजर का यूज करना है, मास्क कंपलसरी करना है, तो वो ये सब करे तो मे बी इतना रिस्क का वो फैक्टर नहीं रहेगा, बट गवर्नमेंट रूल्स नहीं निकाल रही है। आपकी नजर में क्या स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? सर खुलने चाहिए और इवन इन ऑड में खुलने चाहिए और स्कूल्स धीरे धीरे खोले, जैसे उन्होंने कहा था कि पहले हम 9 to 12 खोलेंगे, तो एक बार 9 to 12 खोले देन फिर नीचे नीचे क्लासेस को खोलना चाहिए, क्योंकि हम कब तक स्कूल्स क्लोज कर सकते हैं? पर देखिए मैम, जैसे कि हम लोग भी एक लीडर स्टडी इसके ऊपर कर रहे हैं, आज सीनियर बच्चे जो हैं वो तो पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन। आज गवर्नमेंट जिस तरीके की एक्शन ले रही है कि आप सीनियर क्लासेस को पहले खोलो, जूनियर को बाद में खोलो, जूनियर बच्चों को ज्यादा अटेंशन नहीं मिला है क्योंकि बेस नींव जो बनती है बच्चों की छोटी क्लासेस से बनती है, और आज मैक्सिमम पूरे भारतवर्ष के अंदर 8वीं तक के स्कूल बंद है, तो इससे कहीं ना कहीं जनरेशन पे फर्क पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट है, आपका क्या व्यू है आपका? सर देखिए स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे हैं तो बच्चा 1 साल या 2 साल पीछे जा रहा है, और जो स्कूल में जाकर सीखता है वो घर पर नहीं सीख रहा है, वो और नेगेटिव चीजें सीख रहा है क्योंकि वो अपने आसपास कुछ ऐसी चीजें भी सीखता है जो उसके लायक नहीं होती है। ठीक बात है। तो स्कूल तो ओपन होने चाहिए और गवर्नमेंट को ये डिसीजन बहुत जल्दी लेना चाहिए। तो देखा आप सभी ने जिस तरीके की वार्ता आज हम लोगों के बीच में हुई है, उसको लेकर एक छोटा सा पॉइंट मुझे लगता है सबके दिमाग में आया होगा, हर पेरेंट के दिमाग में आया होगा कि स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि आज भारतवर्ष में 130 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ में बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी है जो खुद पढ़ी लिखी नहीं है। आज हमारे बीच में जो मैडम है वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, फिर भी इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे की एजुकेशन को लेकर। तो आप सोचिए कि भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या जो है वो इस तरीके की है जहां पर मूलभूत सुविधाओं के साथ में बच्चों को पढ़ा पाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि आप इस सिस्टम को सपोर्ट करें, हमें कमेंट के जरिए बताएं कि हम किस तरीके से इस सिस्टम को दोबारा रेगुलेट कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट कर सकते हैं। आपके जो सुझाव होंगे उसके ऊपर हमारी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले समय में और बेटर वीडियोस के साथ में आपके बीच आ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस अपना समय निकाला और इस चैनल पर आकर आपने हमसे बातचीत की, धन्यवाद।